हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम आवर होम। वेलकम टू सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक वाटर हार्वेस्टिंग इन चैप्टर 6 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन क्लास 10th इन सब्जेक्ट बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डैम्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स, यानी डैम्स बनाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे। बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वाटर हार्वेस्टिंग। तो बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो होता है ये है कि इट इज कैप्चरिंग कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड सरफेस रन ऑफ फॉर फिलिंग ईदर स्मॉल water bodies or recharge groundwater। तो कहने का मतलब यह है कि water harvesting क्या होता है, it is capturing, यानी किसी चीज़ को capture करने होता है, collection and स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, यानी इसमें क्या होता है वाटर का स्टोर करते हैं, यानी रेन वाटर को क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। एंड सरफेस रन ऑफ फॉर फिलिंग इधर स्मॉल वाटर बॉडीज एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। एंड इस वाटर को स्टोर करने के बाद फिर हम स्मॉल वाटर बॉडीज़ को क्या करते हैं फिल करते हैं एंड ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं रिचार्ज करने में यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इट इज़ कैप्चरिंग कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, यानी जो रेन वाटर होता है उसे क्या करते हैं कैप्चर करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं एंड कलेक्शन करने के बाद सरफेस पे जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो सरफेस पर यानी अर्थ के सरफेस पर जो स्मॉल स्मॉल वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं उन वाटर बॉडीज़ को वाटर से फिल करते हैं एंड ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करते हैं, यानी जो ग्राउंड वाटर होता है जो अर्थ के नीचे जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको रिचार्ज करने में यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिंपल सा क्या होता है, ये रेन वाटर का क्या होता है कलेक्शन होता है एंड इसमें वाटर को कैप्चर करते हैं, कलेक्शन करते हैं, इसका स्टोरेज होता है वाटर का एंड इस वाटर से क्या करते हैं हम स्मॉल वाटर बॉडीज़ और ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं रिचार्ज करने का काम करते हैं। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इट एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी इन नॉन रेनी सीज़न। कहने का मतलब ये है इट एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी, ये क्या करता है वाटर अवेलेबिलिटी को चेक करता है और नॉन रेनी सीज़न में क्या करता है वाटर अवेलेबिलिटी को क्या करता है चेक करता है। तो कहने का मतलब ये है नॉन रेनी सीज़न का मतलब यानी वो सीज़न जिसमें रेन नहीं होती, क्योंकि जब रेन होती है तो नॉर्मली क्या होता है जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं ग्राउंड वाटर होता है वो फिल हो जाता है,
रिचार्ज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो नॉन रेनी सीज़न होते हैं, यानी वो सीज़न जिसमें रेन नहीं होती, तो उस टाइम पे जो वाटर हार्वेस्टिंग है इसके थ्रू क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी को चेक किया जाता है। एंड जहाँ पर या स्मॉल बॉडीज़ में या फिर ग्राउंड वाटर में अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होता, तो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू क्या करते हैं, उनको फिल कर दिया जाता है इन नॉन रेनी सीज़न। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लडिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लडिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो कहने का मतलब कि जब रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन का मतलब यानी कि वो सीज़न जिसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेन आती है, यानी बारिश ज़्यादा होती है, रेन ज़्यादा होती है, तो उसमें फ्लड आने के चांसेस होते हैं। यानी फ्लड का मतलब यानी कि बाढ़ आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या करता है, फ्लडिंग को रोकने का काम करता है। यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या करता है, फ्लड को रिड्यूस करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द थर्ड पॉइंट इज वाटर बिकम्स अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन थ्रू आउट द ईयर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाटर बिकम्स अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी वाटर क्या होता है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और इरीगेशन पर्पज़ के लिए पूरे साल तक क्या होता है, पूरे ईयर तक अवेलेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू क्या होता है, जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए एंड इरीगेशन पर्पज़ के लिए क्या होता है, पूरे ईयर के लिए अवेलेबल होता है। ड्रिंकिंग मीन्स यानी पानी को पीने के लिए, एंड इरीगेशन मीन्स वाटरिंग टू द क्रॉप, यानी क्रॉप में वाटरिंग के लिए क्या होता है, पूरे ईयर तक अवेलेबल होता है। यानी कंप्लीट वन ईयर तक, वन या टू ईयर तक क्या होता है, ये वाटर अवेलेबल होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राउंड वाटर इज रेगुलरली रिचार्ज्ड। जो ग्राउंड वाटर होता है वो रेगुलरली रिचार्ज होता रहता है। यानी वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो रेगुलरली रिचार्ज होता रहता है। वो क्या होता है, कंटिन्यू रिचार्ज होता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। नाउ अब बात करते हैं कि एंशियंट पीपल वाटर को किस तरीके से स्टोर करते थे। जो एंशियंट पीपल थे हैड ट्राइड एवरी मेथड टू कैप्चर एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर। यानी जो एंशियंट पीपल थे, जो पहले जो पीपल थे, लोग थे, वो क्या करते थे, रेन वाटर की एक एक ड्रॉप को स्टोर करने के लिए क्या करते थे, वर्क करते थे। कैसे वर्क करते थे, वो क्या करते थे, स्मॉल पिट्स बना देते थे।
स्मॉल पिट्स का मतलब क्या होता है, नहीं लैंड में क्या करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना देते थे और जिसमें क्या होता था, रेन वाटर स्टोर होता था। और क्या करते थे वो, पॉन्ड्स क्रिएट करते थे, यानी पॉन्ड्स में क्या करते थे, रेन वाटर को स्टोर करते थे। इसके साथ साथ वो लेक्स क्रिएट करते थे, यानी ये कैसी होती थी, ये आर्टिफिशियल लेक्स होती थी जिसके थ्रू क्या होता था, रेन वाटर को स्टोर किया जाता था। और वाटर शेड सिस्टम को अप्लाई करते थे, वाटर शेड सिस्टम। और वाटर शेड सिस्टम को क्या करते थे, अप्लाई करते थे। इसी के साथ साथ अर्थन डैम्स बनाते थे, अर्थन डैम्स बनाते थे। ये अर्थन डैम्स क्या होते हैं, अर्थन डैम्स का मतलब ये होता है कि जैसे पहले जो किंग होते थे वो क्या करते थे, अपने ही महल में, अपने ही पैलेस में क्या करते थे, एक ऐसा प्लेस बनवाते थे जहाँ पर क्या होता था, वाटर स्टोर होता था। एंड ये जो स्टोर वाटर होता है, जब ये उनके ज़रूरत के टाइम क्या होता था, ये वाटर यूज़ किया जाता था। तो कहने का मतलब है ये क्या करते थे, अपने पैलेस के अंदर ही क्या करते थे, एक ऐसा प्लेस बनवाते थे जहाँ पर क्या होता था, वाटर को स्टोर किया जाता था। और ये काम करते थे एज अ अर्थन डैम का, यानी ये काम करते थे कैसे, अर्थन डैम का, यानी कहने का मतलब अर्थ के अंदर क्या करते थे, एक छोटा सा डैम बनाते थे या रिजर्वायर बनाते थे जहाँ पर क्या होता था, रेन वाटर स्टोर किया जाता था। इसी तरीके से रूफ टॉप कलेक्टिंग सिस्टम भी अप्लाई करते थे, रूफ टॉप कलेक्टिंग सिस्टम के थ्रू भी क्या करते थे, वाटर को स्टोर करने का काम करते थे।